बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी और यमी होते हैं, आपके घर के मसालों के अंदर रहते हुए बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया और इसके अंदर हमने मेथी दाना ऐड कर दिया, तकरीबन दो चुटकी, और सेम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, दो चुटकी ज़ीरा और दो चुटकी राई दाना, और दो चुटकी सौंफ, और हाफ टी स्पून काली मिर्च, और एक बड़ा चम्मच जो हमने खुश्क धनिया का फुल बगैर पिसा हुआ ले लिया। इसको हम एक से डेढ़ मिनट, अच्छे से दो मिनट तक इनको रोस्ट करेंगे। और हमने यहाँ पे घी ले लिया तकरीबन 50 ग्राम, और इसमें दो से तीन जो है लहसुन के जो है पीस कर ऐड कर दिए। अब इसमें हम पोटैटो अपने ऐड कर देंगे, तकरीबन हमारे पास 250 ग्राम पोटैटो हैं जिनको हमने गुलाई में कट कर लिया। इनको रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनट अच्छे से। यहाँ पे हमारे पास दरमियानी साइज़ की एक छोटी प्याज है जिनको हमने अंडे के साइज़ में कट कर लिया। अंडे आलू जो हम बनाते हैं वैसे छोटे छोटे, इनको हमने कट कर लिया, और इसको दो से तीन मिनट रोस्ट करेंगे, भुनाई करेंगे। साथ में हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, गार्डन टर्मरिक हाफ टी स्पून, सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, हमने हल्दी ऐड कर दी, और हाफ टी स्पून के करीब हमने नमक ऐड कर दिया। अब इसके साथ हम इसको भूनेंगे। पानी हमने ऐड नहीं करना और आँच हमने धीमी रखनी है। ये तकरीबन हमारे हाफ से ज़्यादा रोस्ट हो चुके हैं, भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें एक अदद टमाटर बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी टेस्टी हमारा जो है अचारी आलू बनने जा रहे हैं। ये हमने जो रोस्ट किया था इनको हमने ग्रेंड कर लिया, पीस लिया और इसमें ऐड कर दिया। अब इसको डाल के हम इसको लास्ट टच देंगे और इसकी भुनाई करेंगे दो से तीन मिनट आलू गलने तक। यहाँ देखिए हमने दरमियानी आँच पर इनको पकाया और ज़बरदस्त हमारे जो है पोटैटो तैयार हो चुके हैं। तीन से चार अदद हमारी सब्ज़ मिर्ची थी जिनको हमने चॉप कर लिया, और एक कटोरी धनिया हमने ऐड कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी से हमारे पोटैटो तैयार हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ और ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी हमारा खाना बना है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।